तो दोस्तों एक बार फिर से का बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं विश्व। तो होता क्या है, कभी कभी हम एमएस एक्सेल की कोई टेबल जब एमएस वर्ल्ड पे कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो टेबल पूरी शो नहीं होती, कुछ हिस्सा अंदर की तरफ दब जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर मैंने टेबल कॉपी पेस्ट की हुई है और राइट साइड में देख रहे हैं कुछ टेबल का कुछ हिस्सा अंदर की साइड मतलब दब गया है, वो शो नहीं हो रहा है। तो अगर हमें इसको पूरे पेज पर लेके आना है तो वो हम कैसे लाएंगे, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके दो तरीके होते हैं बेसिकली। तो पहला तरीका क्या है, ये देखिए यहां पर एक चौकोर सा बॉक्स शो हो रहा है आपको, ठीक है। इस पर यहां से राइट क्लिक कर दीजिए और नीचे आपको टेबल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप टेबल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहां देखिए इंडेंट फ्रॉम लेफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये शो हो रहा है इंडेंट फ्रॉम लेफ्ट लिखा हुआ है। अब इसको हम जितना बढ़ाएंगे, ठीक है, ये और अंदर दब जाएगा, और जितना घटाएंगे ये देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में खिसकता चला जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा माइनस में लेकर चलता हूं तो आप देखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड में एकदम से सेट हो जाएगा, ठीक है। -3.1 थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर देते हैं इसको, ठीक है, 2.5 पर रहने देते हैं, ठीक है। तो जिसको यहां से अब आप ओके करेंगे तो ये देखिए कुछ ज्यादा खिसक गया, थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करते हैं। तो ये वापस से यहां पे जाएंगे, टेबल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे और -1 पे रहने देते हैं, ठीक है, -1 पे कर दिया हमने, -1 सेंटीमीटर। अब यहां से ओके कर दीजिए तो आप देख रहे हैं कि टेबल जो है पूरी पेज पर आ गई। तो जितना आप माइनस में ले जाएंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में इधर चला जाएगा और जितना आप प्लस में रखेंगे वो राइट हैंड साइड में इधर रहेगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए इसको हम वापस से उसी पोजीशन पर ले आते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, ये जो चौकोर बॉक्स आपको शो हो रहा है, ठीक है, इस पर कुछ नहीं करना, हमें सिंपल इसको पकड़ना है और इधर खिसका देना है, ड्रैग कर देना है, ठीक है। तो जितना आप ड्रैग करेंगे आप देखेंगे ये टेबल पूरी वापस से पेज पर आ गई। तो ये भी एक शॉर्टकट तरीका है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ड्रैग नहीं होती टेबल या प्रॉब्लम आती है ड्रैग करने में, तो उस केस में हमको टेबल प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।